नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें यह है कि बिहार बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसको लेकर बीजेपी अब एक्शन के मूड में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मंगल पांडे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होगा और ये पूर्ण मेजोरिटी सरकार है और ये 5 साल तक चलेगी। उन्होंने लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और 3 ट्वीट करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि बिहार की जनता ने 5 वर्षों के लिए राज्य में एक मजबूत और पारदर्शी सरकार चुनकर राजद को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसका हाल भी अपने हवाबाज गुरु कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की जगह है, जो मुसीबतों में गायब रहते हैं और मुसीबत खत्म होने के बाद आ जाते हैं। उन्होंने यह पहला ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने लगातार दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव शायद ही अपना कार्यकाल प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूरा कर पाएंगे, चूंकि उनके दल में बगावत की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने में नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की परवाह करें। उसके बाद उन्होंने तीसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्रिकेट और राजनीति में मात खा चुके नेता प्रतिपक्ष इन दोनों ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं। वे अपनी दायित्वों को छोड़ लंबे समय तक राज्य से गायब रहते हैं। उनके द्वारा मध्यावधि चुनाव की बात करना हास्यास्पद है। नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए कि सूबे में राजग की मजबूत सरकार है। इससे यह साफ है कि नेता प्रतिपक्ष पर मंगल पांडे ने जोरदार हमला बोला है। मंगल पांडे ने उन सारे बातों को का जिक्र किया जिसमें तेजस्वी यादव पर वो कई आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला आरोप जिसमें कि वो प्रदेश से बाहर पार्टी के कार्यकारिणियों की बैठक में ही सिर्फ दिखते हैं, उसके अलावा रोड पर जो आंदोलनों की बात होती है उसमें वो नहीं दिखाई देते हैं, जिसको लेकर मंगल पांडे ने इंगित किया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाया, जिसमें राहुल गांधी भी देश से बाहर चले जाते हैं, जिसको लेकर भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में उन्होंने जोड़ा है। इन सब चीजों को लबोलवाद अगर हम समझें, इन सबको मिलाकर समझें, तो 21 तारीख की जो राजद की जो समीक्षा बैठक हुई थी, इस बैठक में जिन जिन मुद्दों पर बात हुई उसको लेकर मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन मुद्दों जिन मुद्दों पे बात हुई, उसमें किसानों के बिल को लेकर बात हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे, तो किसान बिल को लेकर जो विरोध की बात हुई उसको लेकर मंगल पांडे ने कहा। उसके बाद वो जैसे कि मध्यावधि चुनाव, यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में पार्टी जो है तैयार रहे एक चुनाव के लिए, तो इस चुनाव को लेकर मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की जो नई सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है, वह एक मजबूत सरकार है और बिहार में वो 5 सालों तक रहेगी। तो मंगल पांडे ने साफ कर दिया कि बिहार में जो है अगले 5 सालों तक की सरकार रहेगी और राजद पर जोरदार हमला बोला है। राजद की तरफ से पहले ये कहा गया था कि मध्यावधि चुनाव होंगे और उसमें ये सरकार टूटकर अलग हो जाएगी, उस पर मंगल पांडे ने कहा कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी। तो ये साफ दिख रहा है कि अब जो है राजनीति जो है पूरी तरह से एक दूसरे के बीच में गुथम गुथी और बयानबाजी के रूप में सामने खुलकर सामने आ गई है। बिहार के और भी ऐसे ही जुड़े हुए खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।